दोस्तों आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 के उर्दू के 50 मार्क्स का नसर का सेकंड चैप्टर उम्मीद की खुशी, जिनके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद का। इसमें हम कुछ अहम सवाल देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सर सैयद ने कौन सा अदारा कायम किया? तो सर सैयद ने MAO कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, आपकी निसाबी किताब का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शाह अदब। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, उम्मीद की खुशी के मुसन्निफ़ कौन है? मुसन्निफ़ कहते हैं राइटर्स को। तो इसके मुसन्निफ़ है सर सैयद अहमद खान। अगला सवाल है, उम्मीद की खुशी किस तरह का मज़मून है? मज़मून मतलब लेख होता है। तो उम्मीद की खुशी इस्लाही मज़मून है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, सर सैयद की पैदाइश कब हुई? ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। तो सर सैयद की पैदाइश जो हुई थी 1817 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? ये भी सवाल आपके एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसकी वफ़ात जो हुई थी 1898 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है, सर सैयद के वालदा का क्या नाम है? वालदा का नाम है सर सैयद की अजीजुन साहब बैग। अगला सवाल है, सर सैयद के वालिद का क्या नाम था? तो सर सैयद के वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं, खुदा का आखिरी शिफा कौन है? तो खुदा का आखिरी शिफा कुरान है। अगला सवाल है, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट किसने निकाला था? तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट निकाला था। अगला सवाल है, सर सैयद का कौन सा मज़मून आपकी निसाबी किताब में शामिल है? तो उम्मीद की खुशी जो है शामिल है। अगला सवाल है, सर सैयद के रफ़ीक़ाए में ये शामिल नहीं है। तो अकबरुल्ला आबादी जो है शामिल नहीं है। इसके अलावा हाली, शबली और नज़ीर अहमद शामिल है। अगला सवाल है, वो भला किसकी बात माने? भाई सैयद तो कुछ दीवाने हैं। मस्करा वाला शहर में सैयद से मुराद कौन शख्स है? तो ऊपर जो लिखा हुआ है किसने कहा? तो सर सैयद अहमद खान ने कहा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मज़मून सर सैयद अहमद खां का है? तो उम्मीद की खुशी जो है सर सैयद अहमद खां का है। अगला सवाल है, जो अगला सवाल आपके इम्तिहान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है, यकीन की इकलौती बेटी किसे कहा गया है? तो उम्मीद को यकीन की इकलौती बेटी कहा गया है। ये सवाल आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगला सवाल है, किस नबी ने नाबीना को बीना और कोड़ी को चंगा कर दिया? नाबीना के मतलब होता है नेत्रहीन, जिसका आग्नेय होता है। तो हजरत आयशा। सर सैयद की पैदाइश कहाँ हुई? तो सर सैयद की पैदाइश दिल्ली में हुई। ये सवाल आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही अहम है, बहुत इम्पोर्टेंस है। अगला सवाल है, सर सैयद के आबा वाजीदाद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। अगला सवाल है, सर सैयद के आबा वाजीदाद किस मुल्क से दिल्ली आए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरब। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। जो अगला सवाल है, सर सैयद की तालीम और तरबियत किसके निगरानी में हुई? ये भी सवाल आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा वालदा। अगला सवाल है, सर सैयद कहाँ मदफून हुए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सर सैयद जो है कहाँ मदफून हुए? तो अलीगढ़ में। अगला सवाल है, उर्दू नसर में सादा नसर नुएशी किसने रिवाज दिया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर सैयद अहमद खान है। अगला और अंतिम सवाल है, 1857 ईस्वी के बाद हिंदुस्तान में सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत कौन थी? तो सर सैयद अहमद खान ही थी 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान में सबसे इल्मी शख्सियत। तो दोस्तों जितने भी सवाल किए आपके इम्तिहान के लिए इम्पोर्टेंस था, और भी इस चैप्टर्स के और भी इम्पोर्टेंट सवाल लाएंगे जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी अहम होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही।